नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। हम बातें करेंगे बिग बॉस मराठी के बारे में। बिग बॉस मराठी में जब से टास्क स्टार्ट हुआ है तब से ही मेघा को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, यानी कि चाहे वो टास्क हो, चाहे वो कैप्टनसी हो, चाहे वो नॉमिनेशन हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेघा को टारगेट किया जा रहा है। ये क्यों? यानी कि रेशम की पूरी टीम कहती तो है कि उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन जब भी बात टास्क नॉमिनेशन और कैप्टनसी की आती है वो सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से नॉमिनेशन में मेघा आ जाए, टास्क में मेघा ना जीते, कैप्टनसी में मेघा ना आए। ये हमेशा ही की बात है, चाहे आप बिग बॉस के स्टार्टिंग से आप मिला लो या खोल के अगर आप पूरा एपिसोड देख लो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा। जब कैप्टनसी की टास्क अभी भी हो रही हो और अभी भी सब के सब मेघा से को ही टारगेट कर रहे हो, क्यों? क्या वो लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं? क्योंकि कोई भी आ रहा है बाहर से, सबको यही बोल रहा है कि मेघा ही जीतेगी, मेघा ही जीतेगी। तो इतनी इनसिक्योरिटी कि हर समय आप मेघा को ही टारगेट करो, और क्यों सिर्फ मेघा ही? घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं बाकी लोगों के नाम लिए जाते हैं? क्यों नहीं मेघा तो नहीं बोलते? जब मेघा नॉमिनेशन की बात आती है तो मेघा ने तो रेशम को नॉमिनेट नहीं किया लास्ट वीक, बट रेशम ने हमेशा ही मेघा को टारगेट किया और आज भी वो कैप्टनसी के टास्क में वो ऐसा ही करेंगे। रेशम, आस्था, स्मिता सब कोई मिलकर मेघा को जाएगा कि मेघा कैप्टनसी के दावेदार में नहीं आए। तो वाई इनसिक्योरिटी और कोई और रीजन हो सकती है? आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे। तो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बाय बाय, टेक केयर।